وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار. محترم بهيوم حجكي ये सीरीज हज के मसाइल से मुतक़ ये बयान आपकी खिदमत में पेश हो रहा है आज जो मसला आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा इनशा वो मसला है सफा और मरवा के दरमियान सै करना सफा और मरवा के दरमियान स्य करना आज ये मसला इनशा आपके सामने पेश किया जाएगा सा बैन साफ़ा वमरवा अरबी में इसको कहते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी उम्र किया है हज किया है तो सफा और मरवा के दरमियान सय भी की है ये प्यारे नबी अलैहि वसल्लम का तरीक़ा रहा है तो इस तरीक़े को हमें समझना है सय का तरीका क्या था आपका और सय का हुक्म क्या है यानी सफा और मरवा के दरमियान सै करना इसका हुक्म क्या है इसके बारे में आपको आपके सामने इन जिक्र की जाएगी तो सबसे पहला मसला आपके सामने यही है कि सफा और मरवा के दरमियान सैय करने का हुक्म क्या है और ये जो है क्या इसके बगैर भी हज हो सकता है या ये करना जरूरी है इसके बगैर हज नहीं होगा ये बात आपके सामने जो है पहले पेश करनी है इस सिलसिले में एक हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूँ पहले ये हदीस आपके सामने पेश हो जाए तो उसके बाद जो है मसला आपके सामने जो है वाज होगा वो हदीस है रिवायत करती हैं उसे हबीबा बिनते अबी तजुत वो तो कहती हैं कि रसूल अल्लाह वालमरवा والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به يزاره وهو يقول اسعوا فان الله كتب عليكم اسعوا فان الله كتب عليكم السعي यह हदीस है इस हदीस को रिवायत किया है इमाम अहमद रहामतल अलैहि ने अपनी किताब मुस्नद अहमद में इमाम शाफई ने भी इसको जिक्र किया है अपनी किताब अल-उम्म में और अपनी किताब मुस्नद में भी इमाम तबरानी ने इसको मौजम कबीर में रिवायत किया है इब्ने आदी ने अपनी किताब कामिल फिर व अल रजाल उसमें जिक्र किया है इमाम दारक़ुदनी ने भी अपनी किताब असन में जिक्र किया है अबू नायम ने अपनी किताब हलिया में हलियातलिया में इस हदीस को ज़िक्र किया है इमाम बकीी ने अपनी किताब सोन कुबरा और वाल आसार अपनी इस किताब में इसी तरीके से फिसन असगीर जो उनकी किताब है असुरन असग़ीर उसमें भी उन्होंने इस हदीस को ज़िक्र किया है इमाम बगवी ने शरहुलसन्ना में इस हदीस को ज़िक्र किया है तो ये हदीस और इसके बारे में ये तफसील है कि यह हदीस कुतुब हदीस की मशहूर किताबें छः किताबें उनमें से किसी में यह हदीस नहीं पाई जाती है मुसनद अहमद में यह हदीस है और हदीस के बाद दूसरी किताबों का भी मैंने ज़िक्र किया उसमें यह हदीस पाई जाती है अब रहा मसला इस हदीस के जो है में क्या बयान किया गया है उसका तर्जुमा भी आपके सामने पेश किया जाए लेकिन उससे पहले जरूरत है कि इस हदीस का दर्जा भी आपको बता दिया जाए कि यह हदीस सही है या नहीं है इस हदीस का हुक्म क्या है वो हुक्म भी आपके सामने वाज कर दिया जाए तो सबसे पहले इस हदीस के हुक्म के ताल्लुक से इस हदीस में एक रावी है और उस रावी पर कलाम है उसको ज़यीफ़ करार दिया है बाज मुहद ने अब्दुल्लाह इब्ने मम्मिल उनका नाम है और ये रावी जो है इनके बारे में कहा गया है इनके बारे में कलाम किया गया है और लोग बाज़ जो है मुहदसिन ने इनको ज़यीफ़ करार दिया है और इस तरीके से इस हदीस की सनद में ये जाफ ये कमजोरी पाई जाती है एक दूसरी रिवायत भी है जो मुसद अहमद ही में है और सफ़िया बिनते शैबा ये हदीस रिवायत करती हैं वो कहती हैं कि अखबरत अन्हात नबीनबी सफ़ा वमरवत यकोल कोतिबाई को मुस्ु फहमद की ये रिवायत है कि सफ़िया बिनते शैबा कहती हैं कि एक औरत ने उनको ये बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कहते हुए सुना है सफ़ा और मरवा के दरमियान आप ये कह रहे थे कि कुतिब अलैकुम को फसाओ कि तुम पर सफा और मरवा के दरमियान सै करना इसे फर्ज किया गया है लिहाजा तुम लोग साय करो ये हदीस मुसद अहमद की और इसके बारे में गालिब गुमान यही है कि ये हदीस भी सेम वही हदीस है जो पहले मैंने जिक्र किया ये जो कहती है सफिया बिन तैया की एक औरत ने उनको बताया ये वही औरत है जो कि हबीबा बिनते अबी तजरात पहले जो है हदीस में हमने जिक्र किया ये वही खातून है यही जो है अंदाजा क्योंकि उस हदीस को भी उनसे रिवायत करने वाली यही खातून है यानी उस हदीस की सरहद में यही खातून है सफ़िया बिनते शैबा और यही रिवायत करती हैं हबीबा बिनते अबी तजरात से तो इससे ये पता चलता है अंदाजा होता है कि ये भी सेम वही हदीस है और इसमें उस जो है सहाबिया का नाम जो है ज़िक्र नहीं किया गया है और उस रिवायत में सहाबिया का नाम जिक्र है और ये सहाबिया हबीबा अबी तजरात वो सहाबिया जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना उनका नाम वहाँ पे मस्कूर है और यहाँ पे मजकूर नहीं है बस इतना फ़र्क है दोनों में तो भरा लग रही है दोनों एक ही हदीस हुई तो दोनों में वो कमजोरी तो बहरहाल पाई जाती है और इस लिहाज से हदीस की सनद में वो कलाम तो बाकी रहेगा लेकिन जैसा कि मुहदसिन ने जिक्र किया है कि इस हदीस की जो है बस दूसरी जो है रिवायतें इस तरह की हैं अबन अब्बास रदी अल्लाह तहुमा से भी यह इस तरह के माने की हदीस रिवायत की गई है सही अब हदय और तबरानी में वो रिवायत है अगर उसको इसके साथ मिला लिया जाए तो हाफिज इबन हजर रहमत इस बात के कायल हैं कि ये गोया की तकवीत मिल जाती है इस हदीस को उससे और हम कह सकते हैं कि यह हदीस इस काबिल हो जाती है कि इससे दलील ली जा सकती है शेखलबादी रहा ने भी इसकी जो तखरीज की है तो उन्होंने इसकी तक हदीस की तखरीज में ये बात जो है कही है जो है जो सनत के अंदर थोड़ा बहुत है उसको जो है उन्होंने जो है दफा करते हुए ये कहते हुए उस की 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 जो दूसरी के अंदर रावी, की की बात है, कि वो रावी है तो उसके बारे में वो कहते हैं कि उनसे रिवायत करने वाले सिका हैं और इस लिहाज से जो है उन्होंने उस रिवायत को काबिल कबुल मान लिया है कि उसमें किसी का भी जगह करना ये साबित नहीं है तो वर्त उनका अपना जो है ये कलाम है और इस लिहाज से वो उसको हसन मानते हैं और मेरा अपना जो इस सिलसिले में जो है मेरी अपनी तहकीक है उसके लिहाज से मेरा अपना जो है इंडिया जो राय है कि ये हदीस हसन ही को पहुँचती है मैंने ये खुलासा आपके सामने जिक्र कर दिया सिर्फ ये बताने के लिए कि हदीस इस दर्जे की है के इसको दलील के तौर पर पेश कर सकते हैं और इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि सफा और मरवा के दरमियान सै करना ये वाजिब है ये फर्ज है कोतिबा अलई को, को मुसैय्य कहा गया कि इसका मतलब ये होता है ये उसलूब है किसी भी मसले में वजूब को बताने के लिए उसके जो है फर्ज होने को बताने के लिए तो ये हदीस थी ये हमने आपके सामने पेश किया वैसे सही मुस्लिम की भी एक हदीस है उस हदीस से भी ये पता चलता है कि सफा और मरवा के दरमियान सै करना ये जो है वाजिब है तो सही मुस्लिम की एक रवायत में ये अल्फाज हैं कि माँ हजरा वाला بين बीन सफा कि अल्लाह ताला किसी भी हज शख्स का हज या उमरा मुकम्मल नहीं करता जब तक कि वह सफा और मरवा के दरमियान सैय न कर ले तो सफा और मरवा के दरमियान सय किए बगैर हर हज और उम्र मुकम्मल नहीं होता तो ये भी हदीस के जो अल्फाज हैं ये मैंने उर्दू में तर्जमा किया तो इससे खुद पता चलता है कि ये सैय करना सफा और मरवा के दरमियान सय करना ये क्या है वाजिब है फर्ज है मैंने अदीस पेश कर दी वैसे हाफिज इब्ने हजर अलैह ने वजूब को साबित करने के लिए अल्लाह के रसूल सौल को भी दलील के तौर पर पेश किया है कि खुद अन्नी मनासी का कुम के तुम लोग मुझसे अपने हज के अकाम को हासिल कर लो खुदी मनासी का कुम आपने ये कहा और आपने सफा और मरवा के दरमियान सै भी किया है उम्र में भी किया है हज में भी किया है इस तरीके से उमरा और हज में सफा और मरवा के दरमियान सही करना यह वाजिब और फर्ज है ये फर्ज जो है रुकन के दर्जे का मानते हैं जुमहोर इसको कहते हैं यह फर्ज है तो मतलब क्या मानते हैं इसको कि यह रुकन है यानी इसके बगैर हज हो ही नहीं सकता और वाजिब भी नहीं वाजिब और रुकन में क्या फर्क कर देते हैं कि वाजिब जो है अगर कोई आदमी दम दे देता है वाजिब छोड़ने के बाद तो हज सही हो जाएगा उसका अगर छोड़ दिया है सही नहीं किया और दम दे दिया है तो हज सही हो जाता है लेकिन जमहूर इस बात के कायल हैं कि हज बगैर सै के सही नहीं होता उम्र भी सही नहीं होता और जब तक कि सही ना किया जाए इस तरीके से वो लोग रुक न होने के तो ये थोड़ा सा मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा इल्म की जो है इस सिलसिले में तीन राय है हालांकि बाद लोगों ने तो नकल किया है कि जो है आ, उम्मत का आजमा है इमाम तहावी रहत ने यह नकल किया है कि उम्मत का आजमा है कि अगर किसी का सय बना सफा मरवा यानी सफा और मरवा के दरमियान सै करना छूट जाता है तो अगर वो खून ने जो है दम दे देता है यानी कुर्बानी पेश कर देता है तो ये उसका हज हो जाएगा इस पर इजमा है हालांकि ऐसा कुछ नहीं असल में ये अहनाफ का मसला है तो मैं चाहता हूं कि ये जो है कुछ अजीब व गरीब बातें भी हैं जो इस सिलसिले में जिक्र की गई हैं तो पहला कौल इस सिलसिले में पहली ओपिनियन जो है दो स्कॉलर्स की अइमां की वो ये है जमहूर हम कहते हैं कि जो है इस्कालर जो है यानी मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स वो इस बात के कायल रहे हैं कि ये सैय करना रुकना है और जब तक सैय ना करे चाहे हज हो चाहे उमरा हो उसमें सय करना रुकना है और इसके बगैर ना हज होगा ना उमरा होगा तो ये एक राय है एक ओपिनियन है एक दूसरा जो है ओपेनियन इस सिलसिले में ये है जो अहनाफ की राय है वो ये है कि ये वाजिब है वाजिब है यानी ये उसको फर्ज नहीं मानते रुकना नहीं मानते वाजिब मानते हैं वाजिब है ये वाजिब होने का मतलब ये होता है कि अगर उसका उसके लिए छोड़ दिया है तो दम दे देगा तब भी उसका उम्र या हज हो जाएगा कोई मसला नहीं उसको क्या है कुर्बानी बस पेश करना है ये कभी कभी लोगों को ऐसे मसाइल पेश आ जाते हैं और लोग जानते रहते हैं तो उनको आसानी होती है नहीं जानते हैं तो परेशानी होती है कि हमारे साथी ने जिक्र किया था वो अचानक जो है उनके किसी रिश्तेदार ने उनको फोन किया कि वो कोई खातून थी साथ में जो उन है उनको लेकर के हज करनी या उमरा करने गए थे तो बहरहाल हुआ ये कि उम्र के दरमियान यानी वो सैय के दरमियान वो जो है आ, कुछ उनको चक्कर सा आया शायद बी या जो है लो हुआ हो या शुगर वगैरह का कुछ मसला रहा जो है उस तरह की बीमारी थी उनको तो उसकी वजह से उनको चक्कर आया और मजीद जो है उनके लिए सही करना मुमकिन ना रहा तो जल्दी से उनको लेकर के हॉस्पिटल चले गए अब वो जो है हॉस्पिटल में उनको पूरा जो है यानी हालांकि उम्र भी मुकम्मल नहीं हुआ दस सही का काम यह मुकम्मल नहीं हुआ था लेकिन चले गए फिर जो है वो सब छोड़ दियाराम वगैरह भी निकाल दिया वो साहब जो लेके गए उन्होंने भी अपना अहराम निकाल तो ये सब जो है मसायल हो गए उस वक्त तो जाहिर सी बात है कि अहनाफ हो कि राय जिनको मालूम हो और जो है वो अनफी हैं तो उनके यहाँ क्या होता है अगर ये सफा मरवा के दरमियान सही नहीं भी किया तो अब उसको क्या सिर्फ क़ुरबानी देना है और इस तरीके से उम्र हो या हज हो उनके यहाँ वो मुकम्मल हो जाता है कोई मसला नहीं उनकी लेकिन मैंने जो की राय आपके सामने पेश की एक तीसरी राय भी है वो ये है कि ये सिर्फ सुन्नत है बास ताबेन के ताल्लुक से ये बात आई है अब मशहूर ताबे हैं जो कि अब्दुल्लाबी अब्बास अल्लाह तुम के शागिद हैं उनसे ये बात आई हुई है कि वो सिर्फ इसके सुन्नत होने के कायल थे बस सहाबा से भी ये बात जो है इस तरह की जिक्र की गई है जो सिर्फ सुन्नत होने के कायल थे वाजिब भी नहीं मानते थे यानी छोड़ दिया तो कोई मसला नहीं भी जो है जो कुर्बानी की बात है अनाप किया वो भी चीज़ वाजिब नहीं होती तो एक कौल तो ये भी है लेकिन बहरहाल मैंने आपके सामने जो अदीस पेश की हैं, उसकी रोशनी में ये बात कही गई है कि तो सफा और मरवा के दरमियान सै करना ये और फर्ज है और इसका मतलब ये है यानी रुकना रुकना जो है फर्ज भी ना कहूं रुकना कहूँ तो ज्यादा आपको बात समझ में आएगी कि, कि रुकना है ये और इसके बगैर हज या उमरा नहीं होता है ये बात जो है आपके सामने हमने पेश कर दी ये मसला हमने आपके सामने पेश कर दिया अभी अख्तिला भी थोड़ा जिक्र कर दिया दलील भी आपके सामने जिक्र कर दिया अब अहनाफ आम तरीके से इस तरह की अहादीत से सिर्फ वजूब ही साबित करते हैं तो वही दलील उनकी भी होगी लेकिन वजूब ही साबित होता है उनके यहाँ उससे फर्जियत या रुकना उनके यहाँ साबित नहीं होता है जब तक कि ये सराहत के साथ ना आ जाए कि हज ही नहीं होगा तब तक रुकनीत उनके यहाँ साबित नहीं होती अब ये मसला जो है एक आपके सामने हमने जो है पेश कर दिया अब बस सिर्फ ये है कि जो लोग सुन्नत होने के कायल हैं यानी ना फर्ज मानते ना रुकन मानते हैं ना वाजिब मानते हैं सिर्फ जो है सुन्नत होने के कायल हैं उनकी किया है। तो इस सिलसिले में कुरान की एक आयत से जो है यानी के तल्ल से बाद लोगों का ये बयान है ये ज़िक्र है हालांकि उस आयत से ये साबित नहीं होता है कि जो है सुनत है ये तो कुरान की ए, आयत में ये है

अल्लाह ताला के शायर में से हैं तो जो भी या उमरा करे उसे क्या करना चाहिए उसके लिए कोई हरज नहीं है कि वो इन दोनों का तवाफ करे इन दोनों का तवाफ करे फमन हज चल बी फला जो ना ही तो जो या उमरा के लिए गया है या उमरा कर रहा है कोई हरज नहीं कि वो इनका तवाफ करे यानी सही करे सफा और मरवा के दरमियान तो इससे बाज लोगों ने ये दलील लिया कि चूंकि कोई हरज नहीं है कि बात कही गई है तो इससे सुन्नत होना साबित होता है ना करे तो भी कोई मसला नहीं लेकिन इस आयत के सबब नजूल के ताल्लुक से जो है बाहबा और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है अम्मा आयशा रजी अल्लाह ने यह बयान किया है कि असल में इस आयत के नजूल का सबब ये है कि असल ये सफा और मरवा पर जो है उनके दो बुद थे मशहूर बुद इसाफ और नायला और ये लोग जो है तवाफ करते थे उस वक्त और यहाँ उनके बुद भी थे जब इस्लाम का आम जो है गलबा हुआ और ये सब वहाँ से खत्म कर दिया गया तो चूंकि पहले वहाँ बुद्ध थे और उसकी वजह से ये लोग तवाफ की किया करते थे तो अब चूंकि ये सब खत्म हो गया मामला तो अब जो है सैय करना जो है रहेगा नहीं रहेगा ये उनको परेशानी थी कि सैय किया जाए या ना किया जाए तो अल्लाह तबारक तआला ने यह आयत नाजिल फरमाई कि कोई हर्ज की बात नहीं है जो लोग भी तवा, जो है उम्र हज के लिए गए हैं या उमरे के लिए गए हैं उनके लिए सफा और मरवा के दरमियान सैय करने में कोई हर्ज की बात नहीं है ये कहा ये उनके जो है उस जो कि उन्होंने हरज महसूस किया था उस वक्त इस्लाम में के गलबे के बाद और जो है जो है बुतों की प्रस्ती शब नहीं है तो पहले जाहिलियत में ये लोग ऐसे किया करते थे बुतों की वजह से तो अब सब ये चीजें खत्म हो गई तो अब इस्लाम में ये सैय करना है या नहीं है ये जो हरज महसूस कर रहे थे तो उसके लिए आयत नाजिल हुई थी कि कोई हरज की बात नहीं है कि आप जो है सफा और मरवा के दरमियान सैय करें तो अम्मा आयशा रहा कहती हैं कि अगर इससे ये कहना होता कि ये सिर्फ सुन्नत है अगर कोई छोड़ दे तो कोई हरज की बात नहीं तो आयत इस तरह से होती कि फला कि कोई हरज नहीं है कि वो तवाफ ना करे ये बात होती ये बात तो उसमें है ही नहीं कि कोई हरज नहीं है कि तवाफ ना करे यानी आ, सफा और मरवा के दरमियान सही ना करे इसका ये बयान नहीं है उसमें उसमें तो ये बयान है कि करने में कोई हरज नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि लोग हरज महसूस करने लगे थे इस्लाम के बाद तो इसकी वजह से ये आयत नाज़िल की गई इससे सुनीत साबित करना ये इस सही नहीं होगा तो ये मेरे भाइयों पहला जो मसला था आज के इस दर्श का कि सै सफा और मरवा के दरमियान सय करना ये तो अपनी जगह पर साबित है इसमें तो कोई कलाम नहीं लेकिन इसका हुक्म क्या है ये रुकन है ये वाजिब है या सिर्फ सुन्नत है तो तीनों राय हमने पेश किया और सही राय यही है कि राय यही है कि ये रुकन है इसके बगैर न हज होगा ना उमरा हज में भी रुकना है और उम्रे में भी रुकना है बाद लोगों ने इसको उम्रे के लिए तो रुकना माना है लेकिन हज के लिए नहीं माना ऐसा भी एक कौन है ऐसी भी ऐसा भी एक ओपिनियन है एक राय है इल्म की तो ये सारी चीजें मैंने आपके सामने पेश कर दिया है और पेश करने का मकसद क्या है कि देखिए रुकन वाजिब और सुन्नत ये जानने का फायदा सिर्फ इसमें क्या है कि अगर ये छूट जाता है कोई ऐसी शक्ल हो जाती है जैसा भी मैंने एक बात जिक्र की थी आपके सामने एक साहब का मामला हो गया था तो उस वक्त फैसला करने में आसानी होती है लोग बहुत परेशान हो जाते हैं ऐसे मौके पर और इनको किसको कॉल करें किससे पूछें क्या करें अब जिनको कॉल किया उनको भी शायद तफसील ना पता हो तो उनको भी परेशानी तो सबका जो है मामला हो जाता है इसमें तो ये परेशानी की बात तो ये मसाइल का इल्म रहे यानी इस तरह की जो तफसीली मसाइल हैं जानकारी रहे तो कोई परेशानी की बात नहीं होगी तो बहरहाल सही राय यही है कि ये रुकन है और सिर्फ दम देने से हज या उमरा नहीं हो जाएगा अगर सैय को छोड़ दिया है और दूसरी जो है जो बात है अहनाफ की ओ, मैंने आपके सामने पेश कर दिया कि वाजिब मानते हैं वो लोग उनके यहाँ ये यह है कि अगर जो है छोड़ दिया है और उसकी जगह पर कुर्बानी पेश कर दिया तब भी हज हो जाएगा उमरा हो जाएगा और अगर सुन्नत मानते हैं तब तो कोई मसला ही नहीं है कुर्बानी की भी जरूरत नहीं सैय नहीं किया है सफा मरवा के दरमियान तब भी जो है हज़िया या उमरा हो जाएगा ये बात थी पहली बात जो इस मसले के ताल्लुक से थी अब इसका तरीका क्या है कैसे करेंगे इसकी तफसील क्या है तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे किया था इसके बारे में हम चलते हैं जाबर के अल्लाह जो कि जो है हज के अहकाम की रिवायत में जिनकी ख़ास अहमियत है और उन्होंने बड़ी तफसील के साथ ये मसला जिक्र किया है तो हम चलते हैं वो क्या बयान करते हैं वो सुनने के लिए याद रखिए ये एक बयान यानी उसलूब है ये जिक्र करने का ऐसा ना समझ जाएंगे मेरे बारे में कहीं कहना मशहूर कर दीजिएगा कि मैं ये समझता हूँ कि वो अभी ज़िंदा हैं और मैं उनके पास जाने के लिए कह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं क्या है ये एक बयान का अंदाज़ है

فصلى سجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة ثم استلم الركن ثم خرج فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدؤوا بما بدأ الله رواه النسائي حديث هي, هي. جابر رضي الله تعالیٰ عنه پہلے अल्लाह के घर के तवाफ का जिक्र किया है वो बातें आपके सामने आ चुकी हैं फिर उसके बाद जो है मकाम इब्राहिम के पीछे दो रकात नमाज पढ़ने की बात है जिसको इसके पहले दरस में आपके सामने बात आ चुकी जिसको तवाफ की दो रकात कहा जाता है उससे फारिग हो जाने के बाद अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने जो है रुकने हजर असवद का को जाकर के छुआ और वहां से फिर आप रवाना हुए सफा पहाड़ी की तरफ तो जब वहां से जाएंगे तो पहले सफा पहाड़ी ही पड़ती है जब वहां करीब पहुंचे प्यारे नबी वसल्लम तो जैसा कि जाब जाबिर तन कहते हैं कि आपने ये आयत पढ़ी इन सफा व तमिन शाह अभी जिस आयत का जिक्र हमने आपके सामने किया उस आयत को आपने पढ़ा और सहाबा से कहा फब द ऊ बीमा बदाल बी ये सोन नसाई की रिवायत में है फ़ब दऊ बीमा बदल शुरू वहीं से करो जहाँ से अल्लाह शुरू किया तो अल्लाह कुरान में कहा इन सफ़ा वमरवत तो शुरू किया सफा से तुम भी सफा से शुरू करो इस तरह से सफा पहाड़ी से ये सफा और मरवा के दरमियान सै की शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए बाज लोगों ने इस हदीस से इसको वाजिब माना है ये दूसरा मसला इन अल्फाज से बीमा बदा इस इन अल्फाज से कि तुम शुरू करो ये हुक्म दिया अल्लाह के रसूल ने तो इसे पता यह चलता है कि ये भी वाजिब है कि शुरुआत सफा पहाड़ी से हो और पहला चक्कर मरवा पर जा कर के खत्म हो ये जो है उसकी कैफियत होनी चाहिए ये मेरे भाइयों पहली जो है बात है हालांकि इस हदीस की रिवायत में ये अल्फाज भी हैं बाज रिवायतों में कि अल्लाह के रसूल सलम ने कहा बीमा बदा हुआ हो यानी ये खबर है कोई हुक्म नहीं है कि अल्लाह के रसूल रसूलम ने कहा कि मैं भी वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से अल्लाह ताला ने शुरू अरे जो जिसका जिक्र पहले अल्लाह ताला ने किया है तो सफा का जिक्र पहले अल्लाह ताला ने किया तो मैं भी सफा से इसकी शुरुआत करता हूँ आपने ये कहा और एक रिवायत में नब दओ बिमा अल्लाह बी यानी जमा मुतकलिम का सेगा है कि आपने ये कहा कि हम वहीं से शुरू करेंगे जहा जिसका जिक्र पहले अल्लाह ताला ने किया है तो अब इससे जो है वो वजूब वाली वो बात नहीं रह जाती मगर ये कि आप इसको शामिल करें इसके साथ कि आपने यहां से शुरुआत की और आपने ये कहा है कि खुद का आपका वो हुक्म और साथ में ये अमल दोनों को मिला करके अगर चाहें तो उससे वजूब को साबित करें वरना आपका अमल सिर्फ वजूब को तो नहीं बताता है तो बहरहाल तो आ, एक बड़ी तादाद अहल इल्म की वो बात की तरफ गई है कि सफा जो है पहाड़ी से इसकी शुरुआत करना ये वाजिब है जबकि बाज़ दूसरे लोग इस बात के कायल हैं कि कोई मसला नहीं अगर मरवा से शुरुआत करके सफा पहाड़ी पे आता है तो असल मकसद तो चक्कर लगाना है तो इस तरह से एक चक्कर पूरा हो जाएगा तो भी कोई हर्ज की बात नहीं उसे सफा और मरवा के दरमियान उसका ये सही करना ये माना जाएगा वैसे जैसा कि अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया जब तवाफ करके आगे बढ़ता है तो पहले सफा पहाड़ी ही पड़ती है तो इस तरह से वहीं से शुरुआत भी करना चाहिए प्यारे नबी वसल्लम का जो तरीका है उसी तरीके को अपनाना चाहिए इस चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए कि वाजिब क्या है सुन्नत क्या है जो वाजिब है या सुन्नत है इस चक्कर में पढ़ने के बजाय ये जहन में रखें कि जो प्यारे अलैहि वसल्लम की सुन्नत है उसके मुताबिक जो आपका तरीका है सुनत से मरत आपका जो तरीक़ा है आपने जिस तरीके से को कोयार किया कि पहले आप सफ़ा पहाड़ी पर गए और आपने ये आयत पढ़ी और वहाँ आपने कुछ दुआएं भी की अजकार भी किए और वहाँ से फिर आप जो है मरवा पहाड़ी की तरफ रवाना हुए आपका ये तरीक़ा था उसी तरीक़े के मुताबिक ये सैय होनी चाहिए तो मेरे भाइयों मैंने आपके सामने ये मसला जिक्र किया एक हदीस हमने पेश की जाबिर रदी के, एक और रिवायत जाबिर तहो से है थोड़ी सी तफस उसमें ज्यादा है और वो सही मुस्लिम की रिवायत है। सही मुस्लिम ने वो लंबी हदीस जाबिर तहो के हज के अहकाम के बयान से मुतक जो है उसको जिक्र किया है तो उसमें ये बात है

तो अल्लाह के अलैहि वसल्लम ने आयत पढ़ करके सफा पहाड़ी से आपने कहा कि मैं यहीं से शुरुआत कर रहा हूं और उसके बाद आप सफा पहाड़ी पर चढ़े भी पहाड़ी पर आप चढ़े ये भी जो है नोट कीजिएगा तो सही मुस्लिम में जाबिर रजी अल्लाह अन्हु की हदीस में जो अल्फाज है उसमें ये भी है कि आप उस पहाड़ी पर चढ़े भी आज भी जो है अब जब जो, जो मैंने उम्र और हज किया उस वक्त की बात कर रहा हूँ उसके बाद का तो मुझे पता नहीं है उसको भी काफी अरसा गुजर चुका है तो उस वक्त अभी वो पहाड़ी के जो पत्थर वगैरह के जो है असर का जो असर था वो बाकी रखा गया था हालांकि वो काफ़ी उसमें कुछ तब्दीलियां हुई हैं वो पहाड़ उस तरह से रह नहीं गया है लेकिन वो पहाड़ का निशान बाकी रह गया है वहाँ जो है चढ़ करके जाया जा सकता है तो अल्लाह के रसूल रसोलसम पहाड़ी पर चढ़े सफा पहाड़ी पे चढ़े तो जो भी जाते हैं या उमरा करने तो उस पर चढ़ करके जाए ये बात जो है सफा पहाड़ी पर तो बाज लोगों ने इसको भी वाजिब करार दिया लेकिन वाजिब कब मानेंगे आप जब उसी हदीस के साथ की खुजुअ मनासिकम तो चूंकि इसमें हालांकि सिर्फ अमल ही है कि आप सफा पहाड़ी पर चढ़े तरीके से इल्म ऊपर चढ़ना कोई जरूरी करार नहीं देते लेकिन बड़ा लेकर ये भी है और जैसे अब अमल की बात है कि आपने जो कुछ भी हज में किया उन सब को वाजिब माना जाए इस जो है वजह से खुजुनी मनासिक गुम तब तो यही बात लगती है कि इसको भी वाजिब होना चाहिए हालाँकि अक्सर लोग इसके वाजिब होने के कायल ने बड़ा एक जो है अनिशासम का कौल है कि बाज अहिल उसके भी वाजिब होने के काय तो अल्लाह के रसूल सल्लम सफा पहाड़ी पर चढ़े हत्तर अल बैतर यहाँ तक कि आपने वहां से अल्लाह के घर की तरफ चेहरा किया बस किबला वही किबला है अल्लाह का घर बैतुल्लाह आप उधर से बैतुल्लाह का आपने रुख किया बैतुल्लाह की तरफ अपना चेहरा किया आपने ये सब चीजें हैं नोट रखना चाहिए सफा तो उस पहाड़ी से मरवा की तरफ चक्कर लगाना जो शुरू करना है उससे पहले प्यारे नबी नबीम का तरीका क्या रहा उसकी तफसील है मेरे भाइयों ये तो आप पहुंचे सफा पहाड़ी पे चढ़े वहां पर और चढ़ने के बाद आपने बैतुल्ला की तरफ अपना चेहरा किया अल्लाह के घर का इस्तेबाल किया किबले का इस्ते किया फवाद अल्लाह की तोहद बयान की हो कबरा अकबर उसकी तकबीर बयान की ये जो है एक दूसरी रिवायत में अल्फाज ये भी हैं अब रबी अल्लाह तन की रिवायत में ये अल्फाज भी हैं वो भी सही मुस्लिम की हदीस है कि जब अल्लाह के रसूल सफा पहाड़ी पर गए तो आप उस पर चढ़े और बैतुल्ला की तरफ आपने चेहरा किया और अपने दोनों हाथ को उठाया आपने तो हाथ उठाने का भी जिक्र है अबू है रवी अल्लाह रिवायत में और अल्लाह ताला की आपने तारीफ की हमदोसना बयान की माशा यद और जो दुआ करनी थी आपको आपने दुआ भी की तो ये हाथ उठाने का भी जिक्र है हाथ उठाकर दुआ करने का जिक्र है बले की तरफ चेहरा करने का जिक्र है अल्लाह ताला की तोहद उसकी हमदोसना और जो है अल्लाह अल्लाकबर उसकी तकबीर ये सब जो है जो है इन सब चीज़ों का भी जिक्र है मेरे भाइयों उस इन जो है रवायात में तो इसी से एक मसला लोगों ने यह भी लिया है कि आम हालात में भी अगर किसी को दुआ करना है तो किबले की तरफ चेहरा करके यानी बेहतर है या? से तो आदमी किसी भी हालत में किसी भी तरह चेहरा करके भी दुआ कर सकता है बगैर हाथ उठाए भी दुआ कर सकता है लेकिन जिस जगहों पर हाथ उठा करके दुआ करना साबित है उसमें से ये भी इसीलिए कहते हैं कि दुआ हाथ दुआ में हाथ उठाना ये तवातुरे मानवी कहते हैं मुहदसिन इसको ये तवातुर मानवी ये जो है उलूम हदीस की एक असलाह है उसको जो है मानते यानी बहुत सी रिवायतों में इसका जिक्र है तो उसमें से एक रिवायत ये भी कि अल्लाह के रसूल रसूस ने हाथ भी उठाया अब कहते हैं और की तरफ चेहरा किया अल्लाह के घर की तरफ और हमदोसना बयान की और अल्लाह ताला की तोहद बयान की तकबीर अल्लाह ताला की जो तकबीर बयान की अकबर कहा ये अजकार वगैरह जो है और दुआएं जो आपको जो है करनी थी आपने दुआएं की वहां पर तो ये किबले की तरफ मैंने कहा आम हालात में दुआ करना लोग सवाल करते रहते हैं इसलिए मैंने सोचा कि ये मसला भी आपके सामने जिक्र कर दूं तो ये बेहतर है मेरे भाइयों अच्छी चीज है कि आदमी दुआ कर रहा है अल्लाह तला से कुछ मांग रहा है तो हाथ उठा किबले की तरफ चेहरा करके मांगे तो ये ज्यादा बेहतर है वैसे तो दुआ आदमी बगैर किबले की तरफ चेहरा किए भी कर सकता है तो यहाँ इसका जिक्र है उसके बाद जो है जाबिर रजी अल्लाह तआला अनहु की हदीस में ये भी जिक्र है वो कहते हैं कि आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक ये सब की सब क्या है कलिमे तौहीद है यही कहा फवहद अल्लाह अल्लाह तआला की तौहीद बयान की अल्लाह तआला की तौहीद क्या है किन अल्फाज में देखिए लाह शरीक लाहुल मुल्क वह यही चीजें साबित है बस इतना ही याद करना या लिख करके लेके जाना जो वहाँ पढ़ने के लिए आसानी हो बस इसका ही ख्याल करना चाहिए कोई जो चीजें पढ़ने के लिए साबित है ना कोई बहुत ज्यादा नहीं है तो सफा पहाड़ी पर यह चीज ये रिवायत साबित है ये पढ़ना जो है लाह वाह शरी लाह मुल्क व लहमदो وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده يا الله کے رسول صلى الله عليه وسلم نے صفا پہاڑی پر جا کر کے پڑھائیے یاد آپ کو یاد مدد जो खंदक, जिसे खिसे अहज़ाब भी कहा जाता है उस मौके पर अल्लाह ताला की जो मदद आई थी उसका आपने जिक्र किया इसमें वो कहां जिक्र है देखिए कहा आपने उस अल्लाह ने अपने वायदे को पूरा किया वादा क्या था मोमिन की मदद करने का अपने बंदे की यानी प्यारे वसल्लम की मदद करने का ये वादा उसने पूरा किया अनजज वादा व नसर अबद और अपने बंदे की मदद फरमाई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई और वह हजम अल अहजाब वहदा और तनहा अहजाब को शिकस्त दे दिया अहजाब क्या ये जमातें ग्रुप्स ये मुश्किन की दुश्मन इस्लाम के दुश्मनों की मुख्तलिफ जमातें ग्रुप्स उन्होंने आकर के मक, मदीने का घिराव कर लिया था जिसे गजवा खंदक कहा जाता है हिजत के पांचवें साल शिवाल के महीने में ये चीज पेश आई थी यही ज्यादा राजि कौल है वरना लोग जो है इसके इसके भी कायल है कि हिजत के चौथे साल ये चीज पेश आई थी तो बहरहाल ये वाक्य पेश आया चारों तरफ से मुसलमान घिर गए थे मदीने में और आकर के मदीने पर लोगों ने चढ़ाई करना चाहा तो सलमान फारसी रजी अल्लाह तहों के मशवरे से अल्लाह के रसूल ने खंदक खुदवाई खुद भी आप खोते रहे सहाबा शरीक रहे बड़ा नाजुक वक्त था उनसे मुकाबला करना मुश्किल था मदीने में इन सहाबा को इसीलिए उन्होंने बचाव के लिए खंदक खोद लिया कि अगर कोई अंदर की तरफ आना चाहेगा तो उसे आसानी से हम मार सकते हैं क्योंकि खंदक को नीचे उतर करके पार करना ये उनके लिए जब तक वो उतना करना चाहे करना चाहेंगे उधर से उनको तीरों से जो है छलनी कर दिया जाएगा तो उसके लिए ये बनाया हुआ था लेकिन अल्लाह ताला ने मदद फरमाई अपने रसूल की की। तो उसके बाद तेज किस्म की ऐसी आंधी चली कि उनके जानवर रस्सियां तोड़ा करके भाग लिए उनकी हड्डियां उलट गई और अल्लाह ताला ही ने उन सब को शिकस्त दे दी लड़ाई की कोई नौबत नहीं आई थी उसी वाक्य को याद किया अल्लाह के रसूल वसल्लम ने प्यारे नबी वसल्लम ने इस मौके पर वही सब चीजें हैं कि सफा और मरवा के दरमियान आप सैय कर रहे हैं तो ये मेरे भाइयों सफा पहाड़ी पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पढ़ना ये साबित है और वहां पर दुआएं करने के बाद दुआएं करने के बाद अल्लाह के रसूल वसल्लम वहां से निकलते हैं चलते हैं सफा पा, से जो है मरवा की तरफ और सफा से मरवा को जब जाएंगे तो बीच में वादी पड़ती है वादी जब वादी पड़ेगी तो ये नशेब का हिस्सा होता है नीचा हिस्सा होता है एक पहाड़ी से नीचे उतरे फिर दूसरी पहाड़ी पर आपको चढ़ना होता है तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक फितरी चीज है इसको जहन में रखिएगा ये इंसान की क्या है फितरी चीज है कि जब आप वादी में उतरने लगे तो आपके कदम तेज चलने लगे और जब भी आप ऊंचाई से नीचे की तरफ आएंगे तो लाजमी तौर पर आपका कदम तेज चलने लगे और यही हुआ वहां पर तो प्यारे नबीसलम ने वही किया है और इसीलिए कहा जाता है कि इतने हिस्से में तेज चलना है सही कहते हैं इसको दौड़ना है यानी तेज चलना है आज तो सब बराबर है वो सब बराबर कर दिया गया उसी फितरी हालत में रहता तो शायद ज्यादा बेहतर था कि वो कैफियत जो है पूरी सामने आती तो बहरहाल जो कुछ जो है मसलहत है ज्यादा लोगों की भीड़ और जो है और बहुत सारी मसलहतें हैं जिसकी वजह से अब उसको जो है बराबर कर दिया गया है और वो हिस्सा वहां पे हरी बत्तियां लगा दी गई हैं कि वो हरी बत्तियां जहां आपको नजर आए वहां से आप तेज़ जो है चलना या दौड़ना शुरू कर दीजिए कोई जरूरी नहीं है क्योंकि वो एक फितरी चीज थी जो वादी में आकर के खुद ब खुद तेज कदम बढ़ते थे अब तो इतनी भीड़ होती है कि उसकी नौबत ही नहीं आती है तेज या इसी तरीके से जो आदमी बूढ़ा है वो दौड़ नहीं सकता तो उसके लिए कोई मसला नहीं माजूर है जो दौड़ सकते हैं और अगर भीड़ नहीं है मौका है तो दौड़ना चाहिए कि यही प्यारे नबी सल्लम का तरीका है वहां पर तेज चलना उसके बाद फिर जब वो वादी का हिस्सा खत्म हो जाता है अब मरवा के पर चढ़ के जाना है तो फिर नॉर्मल जैसी चाल होती है उसी चाल से मरवा की तरफ गए प्यारे नबी सल्लम यहां तक कि मरवा पहाड़ी पर पहुंच गए वहां पहुंचे और इस तरीके से एक चक्कर पूरा हो जाता है सफा से लेके मरवा तक एक चक्कर मेरे भाइयों पूरा हो जाता है ऐसा नहीं है कि सफा से मरवा फिर मरवा से सफा वापस आएंगे तब एक चक्कर आम तरीके से एक चक्कर ऐसे ही पूरा होता है कि जहां से आप चले थे वहीं वापस आएंगे तभी एक चक्कर होगा तो ये जो ताफा का लफ्ज है ना उसके लिहाज से बाज लोगों ने यही समझा और बहुत ही जो है ये यानी और नादिर कौल है ये एक कि बाज जो है अहले इल्म इस बात के कायल हैं कि सफा से मरवा फिर मरवा से सफा आएंगे तो एक चक्कर होगा लेकिन ऐसा नहीं है यही सही बात है कि सफा से लेकर के मरवा पहुंच गए तो एक चक्कर मुकम्मल हो गया वहां पहुंच करके भी बैठ करके दुआएं करें अस्कार करें और फिर जो है वक्त गुजार थोड़ा जो है जो है इसी अस्कार में जो है रह करके दुआओं में रह करके वक्त जो है थोड़ा वहां पे गुजारा फिर जो है मरवा से सफा की तरफ वापस आए तो सफा की तरफ आएंगे तो फिर से वही मामला पेश आएगा कि जब वादी के पास आएंगे तो कदम तेज आएंगे नीचा हिस्सा है वो तो वहाँ पर कदम तेज चलेगा खुद ब खुद जो है आदमी दौड़ने की कैफियत में हो जाता है तो यही जो है कैफियत रही प्यारे नबी अलैहि वसल्लम की और वहां से आप जो है फिर जब जो है पहाड़ी की तरफ जब वो नीचा हिस्सा जो था वो खत्म हुआ तो फिर नॉर्मल जो है जो ढलान है वह हिस्सा खत्म हो गया तो फिर नॉर्मल चाल चलते हुए आप सफा पहाड़ी पर पहुंचे इस तरह से दो चक्कर पूरा हो गया और ऐसे ही सात चक्कर जब पूरा होगा तो मरवा पर आखिरी चक्कर खत्म होगा ये है सफा और मरवा के दरमियान सय जो कि हज में भी उम्रे में भी मेरे भाइयों हमने कहा कि जरूरी है इसके बगैर जो है हज मुकम्मल नहीं ये बात थी सफा और मरवा के दरमियान सय के से। आज का दर्स मैं इसी पर चाहता हूँ इनशा फिर आइंदा हफ्ते मिलेंगे कुछ चीजें जो रह गई हैं सफा और मरवा के दरमियान सै के तलुक़ से तो इनशा वो बात आपके सामने आइंदा दर्श में लाएंगे फिलहाल यहीं पर हम दर्श अपना ये खत्म कर रहे हैं सुबह